नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबी 24 न्यूज़। और इसे हम खड़े करनाल के इंदिरा कॉलोनी में, और आपको बता दें गुंडागर्दी और बदमाशी की हद जो है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से लोग गाड़ियों को जो है नुकसान पहुंचा देते हैं, आपने पहले भी देखा होगा शीशा तोड़ गैंग है, वो भी लोगों के शीशे तोड़ जाता है। तो देर रात इंदिरा कॉलोनी के अंदर भी कुछ जो है बदमाश युवकों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, उस पर ईंटें फेंकी। और आपको पहले तस्वीर दिखा दें गाड़ी की कि यहाँ पर जो गाड़ी है उसके अंदर जो है ये शीशा टूटा हुआ है। देर रात लगभग 12:30 बजे के आसपास का जो है ये बताया जा रहा है। इस तरीके से गाड़ी में शीशा टूटा हुआ है और ईंटें जो है मारी गई हैं। और सामने आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे निशान भी पड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको दिखा दें कि गाड़ी की छत के ऊपर भी जो है ईंट के निशान यहाँ पर पड़े हुए हैं। और पूरा जो मामला है उसकी जानकारी जो है इसके जो मालिक हैं उनसे लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो ईंट का निशान है पड़ा हुआ है गाड़ी के ऊपर। लेकिन ये सारी वारदात हुई कैसे, आपको वो भी बताएंगे। सबसे पहले जो है एक बार जो मालिक है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? तो कैसे ये गाड़ी के शीशे तोड़े, किसने तोड़े, थोड़ी जानकारी दीजिए। नहीं सर, हमारे को कुछ नहीं पता कौन थे, अज्ञात व्यक्ति थे। तो जैसे वो आए बाई डंडे विंडे सब कुछ था उनके पास, गाड़ी ग्लोच कर रहे थे, सो रहे थे। बेची तो मैं मानकर पर आए हुए थे, ये गड्डी भी जमाई की है जी। तो मतलब उन्होंने वहाँ से आके ईंटें बरसानी शुरू कर दी जी। ईंटें बरसाई, जैसे पहली ईंट मारी गड्डी पे लगी, दूसरी मारी तो मकान के शीशे पे लगी, तीसरी मारी तो उन्होंने गड्डी का शीशा तोड़ दिया। जैसे शीशा टूटा हम एकदम बाहर निकल के आए, तो मतलब हमने बाहर निकल के देखा, जैसे अंधेरा हुआ था मकान के अंदर, लाइटें बाली, इतने बाहर आए तो वो फरार हो चुके थे। फिर उन्होंने आगे जाके फिर एक ईंट मारी है, उधर वो टेम्पो खड़ा फिर उसमें भी मारी सर उन्होंने। कौन लोग थे, कुछ जानकारी सर हमारे को थोड़ा सा शक है कि यहाँ पड़ोस में कोई पार्टी थी, बर्थडे पार्टी थी, वहाँ से उन्होंने पी खाई है तो वो यहाँ को जा रहे थे। हमारे को ये नहीं पता कि वो कौन थे। टोटली 10 बजे के बाद आतंक उतार रखा था, उन्होंने बर्थडे पार्टी थी इनकी, वो तलवारें लेके नाच रहे थे, गंडासे लेके नाच रहे थे। हमें पूरा शक है भाई वो ही हो सकते हैं, पक्का कह नहीं सकते, पर वो अज्ञात व्यक्ति है। बंदूक ले लेके फोटो डाल रखी है, देखो वीडियो दिखाता हूँ मैं उनकी, उनका काम यही है वीडियो दिखाओ बंदूक की भी। उन्होंने कल रात बंदूक वीडियो लेके बंदूक में नाच रहे थे, और वे रात को कई बार तलवारें गंडासिया लेके आए। कालू नाम का युवक है, इसका भाई हो रहे हैं, सारे इनको छूट दे रखी घर वालों ने। ये कई जने हैं मोहल्ले के जिसमें और लड़के शिव कॉलोनी के हैं, और परिवार से हम यहीं से ही है, चौक से ही है हमारे। हाँ जी हाँ सर, मेरा नाम मानिक है, सारों ने देखा, हमने सारा कुछ होता है हमारे अंकों सामने हुआ है सारे से। कितने लड़के थे? वे युवक थे 10 से 12 युवक थे, 5 बाइकों पे थे, मोटरसाइकिलों पे। हाँ जी 5 मोटरसाइकिलों पे थे। पहले कभी देखे हैं यार? वे पहले हाँ देखे है, जिस लड़के का जन्मदिन था उसी की वीडियो में देखे वे सारे लड़के। ये देखो जी कट्टे भी ले, ये देखो बंदूक की वीडियो जी, बच्चों के पैसे भी लेंगे ये पैसे। यहाँ पर जो है बंदूकें दिखा रहे हैं, कोई बताया जा रहा है पड़ोस के अंदर कोई पार्टी चल रही थी और उसमें जो युवक हैं उनके हाथ में जो है बंदूक भी दिखाई गई है। और ये इन्होंने पूरी गुंडागर्दी तार रखी यहाँ पे पूरे इंदिरा कॉलोनी के अंदर। कई बार इन्होंने पहले भी होती है ऐसी, ये पार्टी पहली बार दूसरी बार हुई है, अब पहले भी हुई है काम एक बार, और वहाँ पे आगे चौक पे एक लड़के को मार के गिर दिया था इन्होंने, उसको भी वीडियो बना के फेसबुक पे डाल रखी थी उन्होंने। पार्टी किसके घर थी? कौन? पार्टी कालू के घर हुई थी, जयपाल उसके बाप का नाम है, उसके भाई का नाम रवि है। क्या करते हैं वो? वे भी बदमाशी करे, कोई गांजा बेचे, कोई दारू दूर पीवे, बस ये काम है उनका जी। और ये सारे युवक इकट्ठे है जी, 10-15 लड़के थे। पुलिस में कंप्लेंट हुई है? कुछ पुलिस में कंप्लेंट हुई है। तो आप पुलिस आई? पुलिस अब तक तो नहीं आई। ये देखो घर पे रात हमला करके गाड़ियाँ तोड़ गए हमारी। तो एक बार जरा आपको जो है घर की तरफ लेकर चलते हैं, वहाँ पर भी जो है शीशे जो हैं टूटे हैं, क्योंकि जो जब गाड़ी के ऊपर जो है ईंटें मारी गई, पहले ये गाड़ी जो थी यहीं खड़ी थी, जिस तरफ जो आपको ये देखिए नीचे सारा चूरा पड़ा हुआ है, जितना भी ये कांच जो है टूटा हुआ है, टफन ग्लास वो सब टूटा हुआ है। और इसके अलावा जो है ईंटें जो हैं, ये देखिए घर का जो कांच है वो टूटा, क्योंकि ईंट जो थी जो गाड़ी की छत से फिसल कर जो है सीधा सामने की तरफ लगी। और यहाँ पर जो है उन बताया जा रहा है कि पड़ोस में कोई पार्टी थी, जिसके चलते जो यहाँ पर उनको जो है इस चीज़ का शक है कि उन्हीं लड़कों ने जो है इस तरह की जो वारदात को अंजाम दिया है, उनका नुकसान किया है। पुलिस अभी मौके पर पहुँची नहीं है, वैसे इन्होंने इनका कहना है कि सिटी थाने में इन्होंने शिकायत जो है कर दी है, और अब जो है इनका पुलिस का इंतज़ार है कि पुलिस आए और एक बार जो इनका नुकसान हुआ है इनके नुकसान की भरपाई इनको मिल जाए। और यहाँ पर जो है इस तरह की जो गुंडागर्दी के जो देखने को हमें हादसे
मिलते हैं, ये पहला नहीं है, पहले भी आपने देखा है। कई आरोप हो रहा है उस लड़के के ऊपर, 2-3 आरोप हो रहा है। पहले एक चोरी कर ली थी, अंगूठी भी चोरी कर ली थी उसने, पैसे खोजता है वो लड़कों के फ़ोन मोबाइल खोज रखा है उनने, पहले भी उसके खिलाफ कंप्लेंटें दर्ज है कहीं, वो सारी कंप्लेंटों में फरार रहता है घर से। तो कंप्लेंट में उसका नाम डाला गया? हाँ, कई बार डल रहा है वो, पकड़ा नहीं गया। जो भी आपने कंप्लेंट की है उसमें नाम डाला है? हाँ, उसका नाम है, उसके घर ही पार वो ही थी पार्टी, तो जी वही होएगा, जो बंदूक लेके नाच रहे तो जी वही रात को वही घूमेंगे बार, और कौन घूमेंगे, वही थे जी। तो अब क्या चाह रहे हैं, नुकसान? अब नुकसान चाहेंगे जी, जो नुकसान है बस वो, बाकी उनको कस्टडी सजा होनी चाहिए जी, उन्हें यही काम कर रखे जी। तो कार्रवाई चाहते हैं हम बढ़िया। आप बेटे हैं इनके? हाँ जी बेटे हैं। तो सर क्या क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो यही चाहने जाएंगे उच्च से उच्च कार्रवाई, और पुलिस की रात को हमें गश्त चाहिए यहाँ पर 9 से 10 बजे के बीच में 2-3। और सर उन्होंने हमारे हमला करने के बाद आके जितने साधन खड़े उन पे भी इंटे बरसाई है, हमें व्यक्तियों का नाम नहीं पता, अज्ञात व्यक्ति थे। हाँ सर, इनके वाहन थे, ये इनकी गाड़ी है, उनकी ये खड़े, इनकी गाड़ी पे भी इंटे बरसाई है। हम तो यही चाहते हैं भाई, जो भी अज्ञात व्यक्ति है उसके खिलाफ पुलिस आए और CCTV खंगाले, जो भी उसको उचित से उचित कार्रवाई की। आप कह रहे हैं कि मुझे जो युवकों का नाम नहीं पता, जो आपके साथी हैं वो बता रहे हैं पार्टी में थे सर, पार्टी उनकी थी, पार्टी थी उनकी, हमें लगता है शक है वो पार्टी वाले ही बंदे होंगे, मैं कंफर्म नहीं कर सर, हम तो सर सो जाते हैं सर, साढ़े 10 बजे मैं तो सो जाता हूँ, हमारा दुकान है काम, सो जाते हैं ठीक है, हम तो सो जाते हैं। हमें तो जब पता लगा भाई कार में इंटे बरस चुके, हम आए तो बंदे वहाँ पर पहुँच चुके थे, बैग से थे, पर ये नहीं पता कौन थे कौन नहीं थे, दूर अंधेरे थे, बाइक पर थे ये पर सर, 3 बाइकें थी ये कन्फर्म है। कितनी उम्र होगी लगभग सर? बैग से कैसे पता लगेगा, दूर थे तो आपने जाते हुए देखे थे? हाँ सर, वहाँ तक तो जाते हुए देखे थे उस साइड। आपने पुलिस को कॉल किया? तो हमने 100 नंबर पे कॉल किया था, हमारा कॉल रिसीव नहीं किया गया, तो फिर हम सुबह फोन पर बात हुई पुलिस से रात? नहीं सर, नहीं हुई, नहीं रिसीव नहीं किया। नहीं सर, सुबह बात किया आपने? सुबह हमने सिटी में फोन करा तो उन्होंने कहा कितने बजे, ये कोई 8:15 बजे, फिर उन्होंने बोला आज थाने में रिपोर्ट दे जो। तो आप देखे आए? हम FIR देके आ गए। फिर क्या बोले पुलिस? वो बोले 11 बजे के तकरीबन आ जाएंगे आपके, 11 बजे के आसपास आएंगे। हां जी। तो अब क्या नुकसान चाहते हैं? नुकसान पूरा हो? नुकसान तो सर है नहीं वैसे कोई ज़्यादा मोटा, पर जो आज छोटा हमला कर सकते हो कल को बड़ा भी कर सकते हैं, हम तो चाहते हैं उचित कार्रवाई हो बस। तो यहाँ पर आपकी गाड़ी के ऊपर भी? हमारी गाड़ी पे भी ईंट मारी उन्होंने, मगर शीशे पे नहीं लगी, वो साइड में जाके लगी गाड़ी के। कब मारी ईंट? रात के 12 बजे के कल रात को। हाँ जी। आपकी गाड़ी कौन सी है? वो खड़ी है वहाँ पे। तो उसमें नुकसान हुआ कुछ? बस ईट लगी नहीं है, वो शीशे पे जाके साइड में लगी, फिर रुका मचाया तो भाग गए मैं यहाँ से चौक में से। तो आपको पता है कौन है लड़के वो? ये तो मुझे भी नहीं पता सर। क्या नाम आपका? गोल्डी है सर, यहीं पे रहता हूँ इंद्रा कॉलोनी में। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से जो युवक हैं, अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो पुलिस हैं उनको यहाँ पर जो है कंप्लेंट उन्होंने कर दी है, अब वो आकर देखेंगे। उनका ये भी कहना है कि नुकसान जो है उनको मिल जाए तो ठीक है, लेकिन नुकसान की उनको परवाह नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर वो युवक इस तरीके से ईंटें मारकर जा सकते हैं तो कल को किसी को और बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपने देखा ये अल्टो कार के अंदर जो है कांच टूटा हुआ है, गाड़ी में ईंटों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है इस तरीके से एक ये दूसरी बात ये बताएगी कि यहाँ एक पड़ोस में पार्टी थी जिसमें लड़के का नाम भी बताया गया, और ये भी कहा गया कि उनको ये शक है कि उसी पार्टी में जो लड़के थे युवक थे उन्होंने ही ये शीशे तोड़े हैं, उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। और उस पार्टी के अंदर जो है ये भी बताया गया कि उसमें बंदूक भी थी उन लड़कों के पास। तो फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि एक बार इसकी जाँच ज़रूर करें और देखें जाके कि वो युवक इस तरीके से वो बंदूकें लेकर क्यों आए थे उस पार्टी के अंदर। तो फिलहाल इंदिरा कॉलोनी के अंदर जो है इस तरह का मामला देखने को मिला है, जहां पर एक अल्टो कार पर जो है अज्ञात युवक जो है ईंटें तोड़ से शीशे तोड़ देते हैं, घर के भी शीशे बाहर से तोड़ देते हैं और फरार हो जाते हैं। लेकिन परिवार वाले जो हैं वही चाहते हैं कि निष्पक्ष जाँच होकर पता कराया जाए कि वो युवक कौन है। तो फिर से जुड़ेंगे आपसे IBIN 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।